कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मार्च रविवार को जनता कर्फ्यू का आह्वान किया है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद प्रदेश के सभी जिलों में अलर्ट है। इसी श्रृंखला में देवास प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। कलेक्टोरेट में मीटिंग का दौर जारी है। आज जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और ड्रग्स विभाग की टीम ने मेडिकल स्टोर का निरीक्षण किया है। मेडिकल संचालकों को निर्धारित मूल्य मास्क पर और सैनिटाइजर बेचने की समझाइश भी दी है। दरअसल आपको बता दें कि कोरोना वायरस के संक्रमण पर नियंत्रण पाने के लिए देवास प्रशासन द्वारा पूरी एहतियात बरती जा रही है। वहीं शहर के मेडिकल स्टोर पर ज्यादा कीमत में सैनिटाइजर और मास्क बेचे जाने की खबरों के चलते आज जिला प्रशासन की टीम ने SDM अरविंद सिंह चौहान के नेतृत्व में शहर के तमाम मेडिकल स्टोर का निरीक्षण किया। स्टॉक रजिस्टर चेक किए गए और मेडिकल संचालकों को समझाइश भी दी गई थी कि सैनिटाइजर और मास्क निर्धारित दरों पर ही बेचे जाएं। एहतियात के तौर पर शहर के मॉल, सिनेमाघर, पार्क और माताजी की टेकरी व चार चौपाटी जैसे संस्थान बंद कराए गए हैं। जिला प्रशासन ने आम लोगों से जनता कर्फ्यू का समर्थन करने की अपील की है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा व निर्देश भी दिए गए हैं। जैसे ही आप लोगों को मालूम है कि कोरोना वायरस का जो भी जैसे ही न्यूज़ फैल रही है और लोग ज़्यादा अलर्ट हो रहे हैं और है जो है मास्क और सैनिटाइजर खरीदने के लिए भी होड़ लगी हुई है, तो कंप्लेंट्स मिल रही थी कि कहीं मेडिकल से इनको जो है MRP और मार्केट रेट से बहुत ज़्यादा बेचा जा रहा है। इसलिए हम लोगों ने और डॉक्टर साहब की टीम ने और ड्रग इंस्पेक्टर की संयुक्त टीम बनाकर हम लोग लगातार इनका इंस्पेक्शन कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने 5 से 7 मेडिकल की जो शॉप से उनको चेक किया। अभी जो है जो शासन ने सर्कुलर जारी किया 100 ml तक का ये 100 रुपये से ज़्यादा में नहीं बेच सकते, तो अभी जहाँ तक भी मैंने देखा है वो रेट के अंदर ही है, लेकिन फिर भी हम लोग एक बार वेरीफाई। हम लोगों ने अभी 10,000 मास्क बनाने के लिए दिए हैं, तो स्वसहायता समूह को जैसे जैसे हमको डिलीवर होंगे हम लोग उसको सर जेल में भी मास्क बन रहे हैं। हाँ, बन रहे हैं, वो भी बन रहे हैं, तो ये बहुत जल्दी मिलना चालू हो जाएगा। जो मास्क की जो किल्लत है ये भी खत्म। उन्होंने आदेश निकाल दिए हैं, मंडी भी बंद कर दी 31 तारीख तक के लिए, और अभी भी एक आदेश निकल गया जिसमें सारे मॉल, रेस्टोरेंट और ये जो चौपाटियाँ हैं जहाँ पर जो है ठेले लगाकर खिलाने का काम होता है, इसको भी आज से हम लोग बंद कर रहे हैं। जो गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आया है कि डिटेल में 10 रुपये में आपको मास्क सेल करना है और सैनिटाइजर 200 ml का 100 रुपीज में सेल करना है, पर चूंकि हमारी खरीद बिल में 12.50 रुपये कल की रही, तो इसलिए हम लोग 15 में बेच रहे थे और सैनिटाइजर की खरीद हम लोगों की 310 है 500 ml पे, तो वो MRP पे तो नहीं बेच रहे थे, वो 450 रुपये में उन्होंने बेचा, उस पर MRP 580 थी। वो चाहते तो 580 में ही बेच सकते थे। कुमार मेडिकल का आज आया सभी व्हाट्सएप पे, पर जैसे जैसे प्राइस डाउन होगी, आज जैसे हमने वापस ऑर्डर लिखाया तो आज हमको 10 रुपये में आ रहा है, कल से हम 12 रुपये में उसका सेल चालू कर देंगे। जैसे सर ने बताया कि ये भी हमको प्रोवाइड कराएंगे, तो हमको अगर सस्ते रेट का मास्क अवेलेबल होगा तो हम बिल्कुल निश्चित हमको बिल्कुल कल जैसा गवर्नमेंट का ये नोटिफिकेशन आया है, तो अब आने वाले दिनों में मुझे निश्चित लगता है कि ये रेट कम होंगे। देवास से राजेश पवार की रिपोर्ट।